98,900 करोड़ रुपए का अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था, यानी काम होने पर काम की पूर्ति का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। देते भी कैसे, जब काम ही पूरा नहीं हुआ था तो कैसे दे देते। जब कमीशन घोटाला करोगे तो कहां से यूटिलाइजेशन लाओगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, ये मुख्यमंत्री थे, मुझे कानपुर से एक खबर आई, मेरा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कामल कानपुर का पूरा नहीं हो रहा है। मैंने फोन किया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये 250 करोड़ रुपए दिए मैंने, 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बननी है, आधी बिल्डिंग बन करके खड़ी है, पूरा क्यों नहीं हो रहा। कहा साहब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है, ठेकेदार के साथ घोटाला हो गया। ये घोटालों का सरकार थी। गोमती के रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए का, बताइए सीबीआई ने केस रजिस्टर किया कि नहीं किया, किया था कि नहीं किया था, कितने का घोटाला था, 16,000 करोड़ रुपए। ये छोटे मोटे घोटाले नहीं करते थे, मजा नहीं आता था। जब तक 16,000 का घोटाला ना हो, ये गोमती रिवर फ्रंट पर, ये भी आपको पता। युवा साथी सुन लो, इन्होंने कहा कि मैं 15 लाख लोगों को लैपटॉप दूंगा, और 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे और बटे सिर्फ 6,25,000, बाकी कहां गए युवाओं के, कहां गए। अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे, आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। योगी जी इस बात को समझना चाहिए। इनके जमाने में आपको मालूम है 5 साल में कितने दंगे हुए, मालूम है? 700 दंगे। क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसे ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये शब्दबाज दिखाएंगे। 700 दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए, 62 लोग, कौन पूछेगा। ये पलायन हुआ, परिवार छोड़कर के कोरोना में चले गए लोग, इसको याद करना चाहिए। और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंकवादियों को, उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ऑन रिकॉर्ड। 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी, कोर्ट ने केस लगाया, 4 को फांसी हुई और बाकियों को सजाए उम्र कैद हुआ। ये है अखिलेश जी, ये है नेता, ये है मुख्यमंत्री बने, ये है मुख्यमंत्री बनने का चाव रखने वाले। बनाओगे ऐसे लोगों को, लाओगे ऐसे लोगों को, ये बातें बताने की है। 15 लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया और उनमें से 4 को सजाए मौत हुई है, ये इनकी स्थिति है। अपराधी माफिया, और आजकल इनके बुरे दिन आए हुए हैं। आजकल गठबंधन कर रहे हैं, हर तरीके के गठबंधन करे चलो, गठबंधन बेकरार है गठबंधन के लिए, इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आप अभी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का, ये जय श्री राम के नारे को ताकत किसने दी, किसने दी, ये आपको समझना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है, हमारी पार्टी कुर्सी के साथ चिपकने नहीं आई है, हमारी पार्टी कुर्सी पर बैठ करके भारत को विचार और दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में चल करके मजबूत राष्ट्र बनाने आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर कहने के लिए नहीं कहता मैं, नारे के लिए नहीं कहता, बताइए धारा 370 को हटाना था कि नहीं हटाना था,
70 साल गुजर गए थे कि नहीं गुजर गए थे? सत्ता में लोग आए और गए, ये काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 256 कानून भारत के लागू नहीं होते थे, आज वो सारे कानून लागू हो रहे हैं। बताइए, 9 करोड़ मुस्लिम बहनें 3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? 9 करोड़ बहनें, मुस्लिम बहनें 3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटाओ, किसी नेता में ताकत नहीं थी। मोदी जी ने, उनकी इच्छा शक्ति ने 3 तलाक समाप्त करके 9 करोड़ बहनों को आजादी दिला दी। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना। ABP News, आपको रखे आगे।